अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ फिश फ्राई, और आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी, क्रंची और अच्छा कलर था, और इसको इमली की चटनी के साथ खाएं बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, और बहुत ही ज़्यादा ईजी रेसिपी है। बस मैरिनेशन करनी होती है हमें, ताकि उसमें सही मसाले अच्छे से रच बस जाएं। तो सबसे पहले एक बॉल में हमने ऐड कर दिया है मैदा। मैदा की हमने 3 से 4 टेबलस्पून हमने ऐड करने हैं, और उसमें हमने नेशनल का फिश फ्राई मसाला ऐड करेंगे। तो इसमें कुछ घर के मसाले भी ऐड करते हैं। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड करते हैं, और 1 टीस्पून फूड कलर, और 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, दरा मिर्च लाल, और नमक हसबे जायका, और अदरक लहसुन हमने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन ऐड किया। अब इसे मिक्स करेंगे। इसमें हमने योगर्ट ऐड करना है, दही की 3 टेबलस्पून ऐड करेंगे, और इसे पानी और 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे, और पानी के साथ इसे हमने अच्छा सा बैटर तैयार कर लेना है। ज़्यादा थिक नहीं होना है और ना ही ज़्यादा पतला हो के वो बह ही जाए। तो इसमें हमने लेमन ऐड कर दें, 2-3 लेमन ऐड कर दें। बस ये कुछ इस तरह का बैटर होना चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, और ये हमने फिश में इसे अब अच्छी तरह कोटिंग करनी है, ठीक है। और इसे हमने मैरिनेट करना है 1 आवर। तो चलो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा टेस्ट, वरना 30 मिनट्स के लिए तो आपने ज़रूर मैरिनेट करना है, आधा घंटा। तो इस तरह सारे मसाला लगा कर इसको हमने फ्रिज में रख दिया मैरिनेशन के लिए। ऑयल हमने कर दिया गर्म, और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर फिश को फ्राई करेंगे, ताकि वो अंदर से भी अच्छी तरह पक जाए और उसका कलर भी अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा आ जाए। तो 1 by 1 हमने फिश ऐड करनी है ऑयल में। आप ही रेसिपी ट्राई करना, काफ़ी इजी और अच्छा टेस्ट है, और अपने बच्चों के साथ और फैमिली के साथ शेयर करें। मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को जिन्होंने नहीं किया हुआ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।